हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बार्क ऑनलाइन एग्जाम्स रिलेटेड। और जैसा कि आपको पता है, बार्क एग्जाम जो होता है वो मोस्टली साइंटिफिक ऑफिसर्स की जो पोस्ट है उसके लिए कराया जाता है। तो चलिए हम आज वो वीडियो देखते हैं कि और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले वो करना क्या है, आपको गूगल पे टाइप करना है बार्क ऑनलाइन। जैसे आप बार्क ऑनलाइन टाइप करेंगे तो आपका जो है गूगल में आपको डिफरेंट सर्च यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाले पे आप देख सकते हैं बार्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे वेबसाइट इन्होंने मेंशन कर रखी है बार्क ऑनलाइन एग्जाम डॉट इन। तो आपको बस इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर आप जो इस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो है आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग पे चेक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। वहीं अगर आप साइंस बैकग्राउंड से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है साइंस बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम साइंस बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप साइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का जो बार्क ऑनलाइन एग्जाम डॉट इन का जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आप राइट हैंड साइड पे अप्लाई ऑनलाइन और कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं, जैसे होम, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डाउनलोड्स, इन्फॉर्मेशन ब्रोच्योर, हाउ टू अप्लाई, फैक, हेल्प डेस्क और कैंडिडेट लिंक। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो चलिए जो जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन ब्रोच्योर में, जिसमें कि पूरा आपको डिटेल्ड में बार्क एग्जाम के बारे में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोच्योर। जैसे आप इन्फॉर्मेशन ब्रोच्योर पे क्लिक करेंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोच्योर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा इन्फॉर्मेशन ब्रोच्योर है जो कि रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट देखिए जो आपका यहाँ पे है वो आपका है साइंटिफिक ऑफिसर के लिए और एटॉमिक एनर्जी के डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो मोस्टली जितना भी आप अगर साइंटिफिक ऑफिसर की आपको पोस्ट मिलेगी तो इंडिया में जितने भी डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी में, तो उनमें से किसी में भी आपको जो है पोस्टिंग की जा सकती है। और देखिए ये जो पोस्ट है, ये आपकी जो पोस्ट है ये आपकी ग्रुप ए पोस्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाली है कि आपकी जो पोस्ट है वो ग्रुप ए पोस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में कि क्या क्या दे रखा है। तो देखिए आपको यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसे आप कंटेंट देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो है कंटेंट देखने को मिलेगा, ट्रेनिंग स्कीम्स एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको क्या ग्रेड मिलेगा और क्या पे स्केल मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं कैसे आपका जो सिलेक्शन होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी आपको, या आप अगर एलिजिबल किस वे में होंगे, अगर आपका पीजी डिग्री किस सब्जेक्ट में होना चाहिए जिसके लिए आप एलिजिबल हो। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल डिसिप्लिन देखने को मिले यहाँ पे कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो आपका ट्रेनिंग स्कूल और ट्रेनिंग स्कीम जो रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आप देखने को यहाँ पे आपको मिलेंगे। क्लियर, तो ये सब पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट भी देखने को मिलेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए ट्रेनिंग स्कूल और ट्रेनिंग स्कीम ऑप्शन ये भी आपको मिलेगा। इसके अलावा DGFS, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए DGFS ये जो है ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जो एडमिशन डिसिप्लिन एमटेक, केमिकल इंजीनियरिंग और एमटेक, ठीक है, स्पेशलाइजेशन DGFS इंस्टीट्यूट। तो ये मोस्टली नॉन बायोसाइंस ग्रुप के लिए है। ठीक है, तो ये मोस्टली किसके लिए, ये नॉन बायोसाइंस ग्रुप के लिए, नॉन बायोसाइंस। ठीक है, तो हमारा जो है हम बात करेंगे बायोसाइंस ग्रुप के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ बार्क ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्कोर एनेक्जर 1, तो ये भी इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है। तो हम धीरे धीरे इन सारे चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रेनिंग स्कीम्स एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए मोस्टली अगर आप जो है लाइक बायोसाइंस बैकग्राउंड के लिए तो आपको यहाँ पे OCES जो है वो सेलेक्ट करना है। वहीं अगर आप जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और फिजिक्स पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको DGFS जो है सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये जो हो गया OCES ये उन लोगों के लिए जो बायोसाइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी बायोसाइंस वाले, और ये जो है ये DGFS ये आपका रहेगा नॉन बायोसाइंस, नॉन बायोसाइंस। क्लियर, इसके अलावा कुछ और हम पॉइंट्स में आप देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 1 ईयर ओरिएंटेशन कोर्स रहेगा फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 to 2022 यहाँ पे। ठीक है, तो आपका देखिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 ईयर का ओरिएंटेशन कोर्स लेना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तब भी आपको करना है। इसके अलावा अगर आप बायो साइंस या आप बोल सकते साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं तब भी आपको जो है 1 ईयर का ओरिएंटेशन जो कोर्स है वो करना पड़ेगा।
ठीक है। आप देखिए, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये 5 बाघ ट्रेनिंग स्कूल्स मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, और सारे जो है वो मुंबई में सिचुएटेड है, क्लियर। तो यहाँ पे 5 बाघ ट्रेनिंग स्कूल्स हैं तो, और सारे के सारे मुंबई में सिचुएटेड है, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इनमें से किसी भी एक बाघ ट्रेनिंग स्कूल में पोस्टिंग से पहले जो है वो भेजा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हम पॉइंट देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो। देखिए, आप इन्होंने जो बार्क ट्रेनिंग स्कूल यहाँ मेंशन कर रखा है, इसके अलावा जो है अगर आपने अपना जो भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको इनमें से किसी में भी जो है एजेंट साइंटिफिक ऑफिसर आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। तो यहाँ पे सारे जो है इन्होंने सेंटर मेंशन कर रखे हैं, तो इनमें से किसी में भी जो है आपको यहाँ पे जो है आपको पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और हम पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो स्क्रॉल डाउन करने पे हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो पोस्ट आपको मिली है वो ग्रुप ए की मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा देखिए, द DGFS फेलो आर इनरोल्ड इन पोस्टेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। तो आपको यहाँ पे या तो अगर DGFS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बार्क मुंबई में पोस्टिंग मिलेगी, या IGCAR कलपक्कम में आपको यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें थी और हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हमारा स्टाइपेंड है। आपका स्टाइपेंड क्या रहेगा और अलाउवेंस क्या रहेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा। तो अगर आप OCES TSO और DGFS फेलो, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग या आप जो बायोसाइंस या पोस्ट ग्रेजुएट की तरफ से अगर आप फिलअप कर रहे हैं फॉर्म को, तो यहाँ पे देखिए आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो 55,000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर ट्रेनिंग एंड अ वन टाइम बुक अलाउवेंस जो है आपको 18,000 मिलेगा। तो यानी कि देखिए, स्टार्टिंग में जो आपको अगर आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो आपको 55,000 पर मंथ मिलेगा, चाहे आप OCES कैटेगरी के लिए के हों, चाहे आप DGF कैटेगरी के हों, आपको जो अलाउ लाइक स्टाइपेंड वो सेम दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 18,000 रुपीज जो है वन टाइम बुक अलाउवेंस मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप जो हैं DGFS फेलो, मान लीजिए जो DGFS फेलो हैं, अगर लाइक एमटेक या लाइक मास्टर कैम का इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एम कैम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, यानी कि अपना फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं, तो उन्हें जो है वन टाइम कंटीजेंसी ग्रांट और ₹225,000 जो वो पेड होगा, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने लिखा है, सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट एंड अ पर्सनल इंडेमनिटी बोन्ड टू सर्व DAE फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स आफ्टर कम्पलीशन ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जिसमें अगर आपको मिनिमम जो 3 ईयर्स ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 3 ईयर्स तक आपको जो है यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो अगर आप OCS कैटेगरी में अप्लाई किया आपने तो आपको 6,78,000 पे करने पड़ेंगे अगर आपको छोड़ के जाना है। अगर आप DGFS फेलो में अप्लाई किया है तो आपको 13,58,000 रुपीज जो है वो आपको जो है छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, मतलब देना पड़ेगा अगर आप जो है बॉन्ड को तोड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हम पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ग्रेड पे की बात करें तो अगर आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ साइंटिफिक ऑफिसर सी की पोस्ट को यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, साइंटिफिक ऑफिसर सी लेवल 10 आपका पे ग्रेड रहेगा और जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 56,000 ऑफ द 7 जनरल पे कमीशन, ठीक है। इसके अलावा क्या है, OCS और TSO वाले जो रहेंगे उन्हें 2 और 3 मंथ का इंक्रीमेंट दिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके अलावा जो मंथली एमोलमेंट्स मिलेगा जिसमें आपको 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे इंक्लूडिंग DNS अलाउवेंस आपको, यानी DA HRA हाउस रेंट अलाउवेंस और ट्रांसपोर्ट अलाउवेंस भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा मुंबई रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो आपका स्टाइपेंड पहुंच जाएगा वो 95,000 पहुंच जाएगा मुंबई रेट के अकॉर्डिंग, दो इट विल बी इक्वल टू 95,000। जैसे कि 56,100 रुपीज आपका जो है वो आपका बेसिक जो सैलरी रहेगा, उसके बाद आपका DNS अलाउंस आपको ऐड कर दिया जाएगा, HRA आपका ऐड हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि स्टाइपेंड आपका रहेगा, स्टाइपेंड रहेगा प्लस आपका रहेगा DA यानी डेली अलाउंस प्लस आपको HRA भी मिलेगा, आई थिंक 30% और 24% मे बी 24% रहेगा या आपका 30% रहेगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टैक्ट, और इसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रेवल अलाउंस भी दिया जाएगा, ठीक है। तो सारा मिला के आपका जो है यहाँ पे जो सैलरी पहुँच जाएगा वो 95,000 ऑलमोस्ट पहुँच जाएगा, 95,000 पर मंथ, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट है अकॉर्डिंग टू मुंबई रेट, ठीक है। तो मुंबई रेट के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे सैलरी पहुँच जाएगा 95,000, ठीक है, जो कि ह्यूज अमाउंट है।
ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा रहेगा, तो देखिए यहाँ पे जो टू स्टेप प्रोसेस रहेगा, चाहे आप OC ES के अप्लाई करें या DGFS के लिए अप्लाई करें, आपको यहाँ पे टू स्टेप प्रोसेस रहेगा। पहला आपका स्क्रीनिंग रहेगा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का, यानी पहला आपको एग्जाम लिया जाएगा, उसकी बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दूसरा आपका जो है सिलेक्शन इंटरव्यू ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, ठीक है। तो एग्जाम आपका टू कैटेगरी में होगा, एक आपका होगा बार्क ऑनलाइन एग्जाम, यानी बार्क ऑनलाइन एग्जाम प्लस इसमें आप गेट का स्कोर भी देख सकते हैं, यानी कि दोनों की बेस पे जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये नंबर वन हो गया। सेकंड कंडीशन हो गया जो कि गेट स्कोर की बेस पे, गेट 2020 और 2021 इसकी बेस पे है, ठीक है। तो मैं आपको लाइक सजेस्ट करूंगा कि आप नंबर वन चूज करिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, अगर आपका गेट स्कोर जो है वो कम होता है और आपका बार्क ऑनलाइन एग्जाम में अगर आपका जो मार्क्स है वो अच्छा होता है तो भी आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने का चांस ज़्यादा है। अगर आपने गेट 2020 या 2021 के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, ऑप्ट करेंगे सिलेक्शन के लिए, तो मे बी आपका गेट स्कोर कितना है अगर कम होता है, या क्योंकि एक कट ऑफ जाएगा और उस कट ऑफ की बेस पे अगर आप उस मेरिट में आते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप जो है बार्क ऑनलाइन एग्जाम प्लस गेट स्कोर दोनों को चूज करिए, और उसके बाद ही जो है आपके चूज बोथ, जिससे आपके जो चांसेस हो जाएंगे वो बढ़ जाएंगे। मान लिया आप गेट का स्कोर अच्छा नहीं आया या आप उस लाइक पार्टिकुलर मेरिट में नहीं आ रहे हैं, तो अगर आपने बार्क ऑनलाइन एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाए हैं तब भी आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है बार्क ऑनलाइन एग्जाम और गेट स्कोर दोनों चूज करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका रहेगा सितंबर 2021, ये आपका रहेगा लाइक एग्जामिनेशन का, यानी देखिए यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं कर रखी, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो सितंबर 2021 में ही होगा। इसके अलावा एग्जाम देने के लिए आपको नो ट्रेवल अलाउंस, यानी आपको कोई भी ट्रेवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा, तो आपको अपना खुद का पैसा पे करके आपको जो है एग्जाम देना है, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी मेंशन कर दिया, एक बार ऑनलाइन एग्जाम प्लस गेट स्कोर दोनों की बेस पे आप सिलेक्शन मतलब चूज कर सकते हैं, और एक ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर, ठीक है। तो आप ऐसा करिएगा, फर्स्ट वाला ही चूज करिएगा, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी जो है यहाँ पे बता दिया है, तो ये ऑप्शन आप चूज करिएगा ताकि आपके चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाए शॉर्टलिस्ट होने के, ठीक है। अब हम देख लेंगे तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो देखिए और मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन इंटरव्यू जो होगा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का वो मुंबई में होगा। तो देखिए जो सिलेक्शन अगर आप शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका रहेगा मुंबई में, यानी कि आपने अगर अदर देन जियोलॉजी सब्जेक्ट चूज किया तो आपका यहाँ पे मुंबई में इंटरव्यू होगा, वहीं अगर आपने जियोलॉजी चूज किया तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो हैदराबाद में होगा, ठीक है। तो मोस्टली सारे इंटरव्यू जो हैं वो मुंबई में होंगे एक्सेप्ट जियोलॉजी का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे टू वे नॉर्मल AC 3 टायर का जो ट्रेन फेयर है वो आपको यहाँ पे लाइक रिफंड होगा आपका, यानी कि रिइम्बर्स होगा आपका। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका AC 2 वे नॉर्मल AC 3 टायर का जो टिकट है वो रिइम्बर्स कर दिया जाएगा। अब देखिए प्रोबेबल पीरियड क्या होगा, जैसा कि रिजल्ट जो है वो मे बी सितंबर में आ जाएगा, लेकिन जो आपका यहाँ पे जो प्रोबेबल पीरियड है सिलेक्शन इंटरव्यू का वो आपका रहेगा अक्टूबर 2021 में, ठीक है। तो अक्टूबर 2021 में मे बी आपका जो है सिलेक्शन होगा, इंटरव्यूज होंगे आपके, और अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए अक्टूबर 2021 में बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए और मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। फाइनल सिलेक्शन जो होगा, जो आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा OC ES और DGFS 2021 का, वो आपका रहेगा बेसिकली ऑन द सिलेक्शन इंटरव्यू और सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, यानी कि आपका यहाँ पे मेडिकल फिटनेस भी देखा जाएगा और उसके बेस पे जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे होगा। अब ये सारा जो प्रोसेस होगा वो होगा सेकेंड वीक ऑफ नवम्बर 2021 में, ठीक है। अब देखिए एक अच्छी बात यहाँ पे ये दे रखी है कि अगर आपका PG डिग्री है, OCS 2020 आपने अप्लाई किया है, तो आप चाहें तो अपना जो MTech या MCAM इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी जो है DGFS इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी बात है कि आपको MTech करने का यहाँ पे मौका भी मिलेगा अगर आपने
एमएससी किया है तो आप एमटेक के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास चॉइस रहेगा, आप जो एमटेक भी कर सकते हैं। अब आप बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो क्वालिफाइंग डिग्री एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट फॉर ओसीएस डीजीएफएस 2021, तो ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो है बीए बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग में या 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका बेसिक क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और आपका वैलिड गेट स्कोर होना जो कि मस्ट है, कि आपका गेट 2020 जो है वो क्लियर होना चाहिए, गेट 2021 का एग्जाम क्लियर होना चाहिए अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हैं एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गेट 2020 या गेट 2021 के स्कोर के बेस पे आपका सिलेक्शन हो, तो आपका गेट स्कोर जो है ये मैंडेटरी है, ठीक है, या कंपल्सरी होना चाहिए, क्लियर। इसके अलावा और हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो देख, फॉर फिजिक्स डिसिप्लिन आपका एमएससी इन फिजिक्स होना चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट बीएससी लेवल में आपका यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम केमिस्ट्री का भी है, आपका एमएससी इन केमिस्ट्री होना चाहिए और फिजिक्स अप टू बीएससी लेवल तक होनी चाहिए। अब देख बात करते हैं फॉर बायो साइंस के लिए, तो देखिए फॉर बायो साइंस डिसिप्लिन का आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एमएससी जो है एग्रीकल्चर में होना चाहिए, बायो केमिस्ट्री, माइक्रो बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एनिमल साइंस, लाइफ साइंसेस, बायो साइंस से मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक। इसके अलावा जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि आपका है जो है लाइक एमएससी एप्लीकेंट शुड हैव स्टडी वन आउट ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री, यानी कि आपका फिजिक्स होना चाहिए आपके यूजी लेवल में, या केमिस्ट्री होना चाहिए या बायो केमिस्ट्री होना चाहिए, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट एट द बीएससी स्टेज। तो अगर आपके बीएससी में फिजिक्स या केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंडेटरी है ये उनके लिए जिनके आप बीएससी में फिजिक्स या केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री केमिस्ट्री होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका बीएससी आपने अगर बायोटेक्नोलॉजी से किया है, बायोटेक्नोलॉजी से, या अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी से किया है, तो आप इन सब के लिए अवेलेबल लाइक एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायो या आपका जो अदर ब्रांचेस जैसे फूड टेक्नोलॉजी, अगर इन सब से आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो आपका जो है मिनिमम बीएससी आपका बॉट लाइक के फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपका जो है एज अ वन सब्जेक्ट होना चाहिए आपके फिजिक्स लाइक बीएससी में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है अप्लाई करें, ठीक है। अब देखिए जिन्होंने एमएससी जो अपना फिशरी में किया है, एनिमल हस्बेंड्री, मैराइन बायोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, होम साइंस, इन सब में किया है तो दे आर नॉट एलिजिबल। इन्होंने क्लियरली मैंसन कर दिया है दीज पीपल आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आपका मास्टर डिग्री इसमें है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सेम फॉर रेडियोलॉजिकल सेफ्टी एनवायरमेंटल साइंस के लिए भी इन्होंने आप पूरा डिटेल में दे रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। फॉर जियोलॉजी भी आपका एमएससी या इक्विवेलेंट एमटेक होना चाहिए जियोलॉजी में, अप्लाइड जियोलॉजी में, तो ये भी आप देख सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं तभी आप अप्लाई कर लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल क्या है, आपका 60% मार्क्स होना चाहिए आपका पीजी लेवल पे तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एज लिमिट इन्होंने मेंशन यहाँ कर रखी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 26 ईयर्स होना चाहिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 29 ईयर, ये मैक्सिमम एज है। अगर आपका 30 ईयर्स ओबीसी में तब भी आप एलिजिबल नहीं है, 27 ईयर्स जनरल में है तब भी आप एलिजिबल नहीं है, नहीं अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 31 ईयर जो है वो एज होना चाहिए, ठीक है। वहीं फिजिकली चैलेंज पर्सन को यहाँ पे 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो। नेशनलिटी यू शुड हैव अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे जो है 500 रुपीज जो है वो एप्लीकेशन फी है फ्रॉम द मेल एप्लीकेंट, यानी कि आई थिंक मेल एप्लीकेंट ने मेंशन कर रखा है जो कि जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी डोट पी किया एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट आई एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ फी, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ पे 500 रुपीज का पे करना पड़ेगा अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट देख ले, तो ये देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था कि अप्लाई ऑनलाइन का आपको यहाँ बटन देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको बता दूँ कि यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे जो है आपको बटन देखने को मिल रहा है, तो आपको जस्ट क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए पूरा जो है आपको यहाँ पे फी पेमेंट देखने को मिलेगा और साथ ही इंस्ट्रक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे कि अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको ₹500 पे करना है, ओबीसी 500, SC ST नो फी, डोट पी किया नो लाइक फी एग्जेम्पशन, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे देखिए अगर डोमिसाइल ऑफ कश्मीर है तो आपको ₹500 पे करना पड़ेगा, और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने फ्लो चार्ट बना के दे रखा है कि आपको कैसे जो है लॉगिन लाइक कैसे अप्लाई करना है, तो पूरा यहाँ पे जो इन्होंने लाइक पूरा इन्होंने अच्छे से जो है लेआउट यहाँ बना के दे रखा है। तो आप इसी अकॉर्डिंग जो है वो ऑनलाइन पे लाइक ऑनलाइन जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो इस टाइप में क्लिक करके आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जैसे आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रिलिमिनरी जो है रजिस्ट्रेशन करने को मिले करने का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अप्लाई डिसिप्लिन, जैसे कि आप बायो साइंस केमिस्ट्री जियोलॉजी फिजिक्स किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बायो साइंस के लिए कर रहे हैं तो बायो साइंस क्लिक करिए। क्वालिफाइंग डिग्री आपका क्या है तो वो भी आपको यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है। तो क्वालिफाइंग डिग्री ये सब चूज करने के बाद आप जो अपना ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो इस वे में आपका जो है नेक्स्ट स्टेप आता रहेगा और आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ देख लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जो कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे साइज मेंशन कर रखा है कि आपका जो लाइक फोटो का साइज कितना होना चाहिए, आपका 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका लेंथ विथ दे रखा है कि 4.5 to 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सिग्नेचर आपका 20 KB से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखी हैं, तो आप ये सब चीजें जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरे पूरा यहाँ पे इन्होंने स्टेप दे रखा है कि आपको जो है कैसे यहाँ पे जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरा यहाँ पे डिटेल में दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स अब हम आपको बता देते हैं। तो देखिए इसका जो ऑनलाइन लाइक स्टार्ट होगा वो 12 जुलाई 2021 से जो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट डेट है वो 7 अगस्त है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 9 अगस्त, रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की 9 अगस्त। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्लॉट बुकिंग 20 अगस्त to 25 अगस्त, ठीक है। तो आप जितना जल्दी फॉर्म फिलअप करिए उतना ही ज़्यादा आपका चांस हो जाएगा कि आपको जहां पर भी एडमिशन लाइक एग्जाम देना चाहते हैं आप अपना प्रेफरेंस जो है वहां पे देके आप जो स्लॉट बुकिंग इजिली कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका रहेगा 5 to 12 सितंबर के बीच में, ठीक है। तो ये आपका एग्जामिनेशन जो है डेट मेंशन कर रखा है और आपका शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का जो लिस्ट आ जाएगा 21 सितंबर को आ जाएगा। और अवेलेबिलिटी जो होगी आपका स्लॉट का इंटरव्यू के लिए वो रहेगा 24 to 28 सितंबर। इंटरव्यू सिलेक्शन रहेगा 4 अक्टूबर to 29 अक्टूबर के बीच। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड OCS के लिए वो 2nd week of November। और लास्ट डेट ऑफ सिलेक्टेड OCS कैंडिडेट डिजायर टू DGFS टू गिव डिटेल ऑफ एमटेक एमकेएम इंजीनियरिंग एडमिशन टू DGFS इट विल बी 3rd week of November 2021। और जो डिक्लेरेशन रहेगा लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट सेलेक्टेड टू DGF 2021 ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल इट विल बी 30th नवंबर 2021। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स है वो मैंने आपके साथ जो है वो मेंशन कर दिया है। अब देखिए जो डेट्स है ये मे बी जो है टेंटेटिव, और ये टेंटेटिव डेट्स हैं ये चेंज भी हो सकती हैं ड्यू टू कोविड। अगर मान लीजिए थर्ड वेव आता है तब मे बी जो ये डेट है इट कैन चेंज। तो इट इज टेंटेटिव डेट। तो अगर आपका जो कंफर्म डेट है वो आपको उसके एग्जाम्स के कुछ टाइम पहले ही जो है आपको दिखेगा, या आपको जो है जो सिचुएशन रहेगी कोविड की उसी के बेस पे जो है आपका यहाँ पे डेट जो है वो डिसाइड किया जाएगा। इसीलिए आप कंटिन्यू जो है ये बाकी वेबसाइट को कंटिन्यू चेक करते रहिए, ठीक है। तभी आप जो है इसके ताकि आपको जो डेट्स हैं वो टाइम टू टाइम आपको एकदम कन्फर्म डेट जो है वो देखने को मिल सकें, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।